मैं राजबहादुर यादव SLV परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, आज की ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड क्लास होगी। कैसी क्लास होगी? रिकॉर्डेड क्लास होगी। और इस रिकॉर्डेड क्लास में आज हम आपको पढ़ाएंगे अनेकार्थी शब्द। क्या पढ़ाएंगे मेरे बच्चे? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या पढ़ेंगे आप लोग भाई? तो याद रखिएगा, आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो होगा अनेकार्थी। अब यहां जरा ध्यान से देखो भाई, अनेकार्थी जो शब्द लिखा गया है, अगर इसको दो भाग में हम तोड़ दें, कितने भाग में तोड़ दें? दो भाग में अगर हम तोड़ देते हैं तो हमें यहां दो शब्द मिल जाएगा। कितने शब्द मिल जाएगा? दो शब्द मिल जाएगा। एक मिल जाएगा अनेक, दूसरा शब्द मिल जाएगा अर्थ, तीसरा मिलेगा ई प्रत्यय। क्या मिलेगा भाई? अनेक प्लस अर्थ प्लस ई प्रत्यय। अनेक, जैसा कि आपको पहले से पता है भाई, अनेक मतलब ढेर सारे। और यहां किसकी बात कर रहा है? अर्थ की। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो भाई अगर परिभाषा की बात करें, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक अर्थ होते हैं, अर्थ होते हैं, उन्हें उन्हें अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द या अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्दों के कारण, अनेकार्थक शब्दों के कारण भाषा की व्यंजना शक्ति, भाषा की व्यंजना शक्ति, शक्तियां तीन प्रकार की होती है मेरे बच्चे, कौन कौन सी? अविधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना शक्ति बढ़ती है, व्यंजना शक्ति बढ़ती है। कौन सी शक्ति बढ़ती है? तो आप बताएंगे, व्यंजना शक्ति बढ़ती है। इन शब्दों का प्रयोग अनेक, इन शब्दों का प्रयोग अनेक कवियों ने, अनेक कवियों ने यमक और श्लेष अलंकार में किया है। किन किन अलंकारों में इसका प्रयोग होता है? तब बताएंगे, यमक और श्लेष अलंकार में। कुछ अनेकार्थक शब्द, कुछ अनेकार्थक शब्द इस प्रकार हैं, कुछ अनेकार्थक शब्द इस प्रकार हैं। जैसे अगर हम अंक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे? अंक। हम उम्मीद करेंगे आपको अंक के विषय में पता होगा। अंक किसे कहते हैं? एक तो आप नाटक का अंक कह सकते हो, दूसरा अंक किसे कहते हैं? भाग्य को कहते हैं, किसे कहते हैं? और तीसरा, गिनती के अंक को भी अंक कहते हैं।
गिनती के अंक को भी अंक कहते हैं, अंक को हम चिन्ह भी कहते हैं, अंक को हम संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संख्या भी कहते हैं। और अंक को हम और किस नाम से जानते हैं? गोंद के नाम से भी जानते हैं। ये आदि शब्द किसके अनेकार्थी हैं भैया? तो अंक शब्द के ये अनेकार्थी शब्द हैं। जैसे अंकुर दे दिया जाए आपको, क्या अंकुर, अगर आपसे पूछ लिया जाए अंकुर के अनेकार्थी शब्द बताओ, किसके अनेकार्थी शब्द बताओ भैया? अंकुर के अनेकार्थी शब्द बताओ, तो आप क्या बताओगे? अंकुर का अनेकार्थी कपोल होता है, जिसे आप ओट कहते हो। क्या कहते हो? ओट कहते हो। अंकुर का अनेकार्थी नोक भी होता है। क्या होता है? नोक भी होता है। अंकुर का अनेकार्थी सूजन भी होता है। अंकुर का अनेकार्थी रोवा भी होता है, जिसे आप रोम बोलते हो भैया। क्या बोलते हो? रोम बोलते हो। किसके अनेकार्थी हैं? तो आप बताएंगे अंकुर शब्द के अनेकार्थी हैं। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में हम देखेंगे अंग के अनेकार्थी। ये भी बहुत पूछा जाता है अंग के अनेकार्थी शब्द में। अंग का अनेकार्थी शब्द कौन सा? तो जल्दी से हमारे बच्चे कमेंट करके बताएं। अंग को हम भाग्य भी कहते हैं, अंग को हम पक्ष भी कहते हैं। भाग्य नहीं, भाग है भाई। अंक को हम भाग कहते हैं, अंक को हम पक्ष भी कहते हैं, अंक को और क्या कहते हैं? अंक को शरीर के अवयव, शरीर के अवयव को भी हम क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अंग के आपको भाग, पक्ष, शरीर के अवयव मिल गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंजन। क्या देखेंगे? अंजन शब्द। अंजन का अनेकार्थी क्या होता है? अंजन का अनेकार्थी एक तो आप बता सकते हो मेरे दोस्त, काजल होता है। अंजन किसे कहते हैं? काजल को कहते हैं। और किसे कहते हैं? अंजन माया को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? माया को कहते हैं। और किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे अंजन लेप को भी कहते हैं। किसे कहते हैं भैया? अंजन का अर्थ काजल भी होता है, माया भी होता है, लेप भी होता है और रात भी होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? रात होता है। अगला पॉइंट, अंत। कौन सा भैया? अंत। अंत की अगर बात करते हैं तो अंत का अनेकार्थी शब्द क्या बनेगा? तो जल्दी से कमेंट करके हमारे बच्चे बताएंगे अंत का अनेकार्थी शब्द क्या होता है। अंत का अनेकार्थी एक तो होता है संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा अंत का अर्थ संपत्ति भी होता है। और क्या होता है? समाप्ति भी होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? समाप्ति भी होता है। और क्या होता है? तो आप बताएंगे छोर भी होता है। क्या होता है? छोर भी होता है। और अंत का अर्थ क्या होता है? मरण होता है। क्या होता है? मरण होता है। और क्या होता है? परिणाम होता है। क्या मिलता है भैया? अंत का परिणाम भी मिलता है। और क्या मिलता है? अवसान मिलता है। और क्या मिलता है? तो आप बताएंगे सीमा भी होता है। क्या होता है? सीमा भी होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अंश। क्या देखेंगे मेरे बच्चे? अंश। अंश एक अनेकार्थी शब्द है। अंश का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे अंश का अर्थ तो एक भाग्य भाग होता है। और क्या होता है भाई? तो आप बताएंगे अंश का अर्थ टुकड़ा भी होता है। क्या होता है? भाग भी होता है, टुकड़ा भी होता है, कोण भी, तो कोण का अंश होता है। और क्या होता है? अंश का अर्थ हिस्सा भी होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? अंश का अर्थ हिस्सा भी होता है। और क्या होता है? अंश का अर्थ कंधा भी होता है। और क्या होता है? अंश का अर्थ वृत्त की परिधि का एक भाग। वृत्त की परिधि का एक भाग, परिधि का एक भाग भी होता है। ये किसके अनेकार्थी हैं भैया? अंक के।
अगली अनेकार्थी हम लोग देखेंगे अच्छ। किसकी अनेकार्थी मेरे बच्चे? अच्छ की अनेकार्थी देखेंगे। अक्ष, अक्ष का अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से आप कन्वेंट करके बताओ भाई, अक्ष किसे कहते हो? ये आंख की पर्यायवाची भी होती है, ये किसकी है? आंख की अनेकार्थी है। अक्ष को हम और क्या कहते हैं भैया? अक्ष को हम धुरी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? अक्ष को हम आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अक्ष को हम आत्मा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं अक्ष को? तो आप बताएंगे पहिया भी कहा जाता है अक्ष को। और क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे पाशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम लोग, अक्षर। किस पे भैया? अक्षर की अगर हम बात करते हैं, अक्षर का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, अक्षर किसे कहते हो? अक्षर आत्मा को कहते हैं, अविनाशी को कहते हैं, किसे कहते हैं? अविनाशी को कहते हैं, वर्ण को कहते हैं, और किसे कहते हैं? आप बताएंगे आकाश को भी कहते हैं। किसे कहते हैं भैया? आकाश को कहते हैं, और किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे मोक्ष को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? मोक्ष को भी कहते हैं। अगले पॉइंट पे हम लोग अनेकार्थी देखेंगे अज की। ये भी बहुत पूछा जाता है, अज का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे अज का अर्थ तो ब्रह्मा होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? ब्रह्मा होता है। इसके अतिरिक्त और क्या बनता है? अजन्मा बनता है। अज का मतलब अजन्मा, जिसका जन्म ना हो। ब्रह्मा मिल गया, अजन्मा मिल गया। अज दशरथ के पिता का भी नाम था। दशरथ के पिता का नाम क्या था भैया? रामचंद्र के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम अज। और क्या है? अज का अर्थ होता है बकरा भी। क्या होता है मेरे बच्चे? अज और अजा, अजा का अर्थ होता है बकरी, अज का अर्थ होता है बकरा। इसके बाद हम लोग देखेंगे भैया अंडज। अंडज किसका भाई? अंडज। ऐसे अगर शाब्दिक अर्थ देखें, जो अंडे से जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। तो यहाँ एक शब्द हमें क्या मिल जाएगा? पक्षी मिल जाएगा। दूसरा शब्द क्या मिल जाएगा? ब्रह्मा भी है भाई। क्या है? ब्रह्मा है। अगले पॉइंट पे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे अतिथि। अतिथि आधन तिथि से बना है। किससे बना है? आधन तिथि से बना है। आ का अर्थ होता है नहीं, और तिथि का अर्थ होता है दिन या दिनांक। जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या शब्द मिल जाएंगे आपको? एक तो मेहमान मिल जाएगा, मेहमान। दूसरा क्या मिल जाएगा? साधु मिल जाएगा। साधु और असाधु ये दो शब्द होते हैं, इसको याद रखिएगा। और क्या मिल जाएगा? यात्री मिल जाएगा। यज्ञ में सोमलता लाने वाला, सोमलता लाने वाला, यज्ञ में सोमलता लाने वाला। इसके अतिरिक्त अतिथि अग्नि को भी कहते हैं। अतिथि और किसे कहा जाता है? राम का पोता। राम के पोते का नाम क्या था भैया? अतिथि था। या कुश का बेटा कह सकते हो इसे। किसका बेटा कह सकते हो भैया? कुश का बेटा। इतने नामों से अतिथि को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग भैया। अधर, अधर, अधर का अनेकार्थी क्या हो सकता है? एक तो होता है होंठ। क्या होता है भैया? आधर मतलब होंठ होता है, और दूसरा आधर मतलब होता है नीचा, और क्या होता है? ना पकड़ आने वाला, ना पकड़ आने वाला। ये भी किसका? आधर का है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे अब्ज। क्या देखेंगे भैया? अब्ज।
अब्ज का अनेकार्थी शब्द, अब्ज का अनेकार्थी शब्द याद रखिएगा कमल होता है। अब्ज का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? शंख होता है। अब्ज का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? चंद्रमा भी होता है। बहुत पूछा जाता है भाई, क्या होता है? चंद्रमा भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम उम्मीद करेंगे आपसे कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब्ज, एक पॉइंट और यहाँ नोट कर लीजिएगा, कपूर भी होता है। क्या होता है भैया? कपूर भी होता है। चलिए अगले पॉइंट पे हम देखेंगे ईश। क्या देखेंगे मेरे बच्चे? ईश। ईश का अर्थ क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ईश का अर्थ होता है राजा या स्वामी। क्या होता है मेरे बच्चे? तो राजा भी होता है, ईश का अर्थ स्वामी भी होता है। इसके अतिरिक्त कोई और अर्थ बताएं। ईश का अर्थ ईश्वर भी होता है, ईश का अर्थ महादेव भी होता है। क्या होता है भाई? महादेव भी होता है, जिसे आप शंकर कहते हैं। और ईश क्या है? 11 की संख्या को भी ईश कहा जाता है। 11 की संख्या, ये याद रखिएगा, 11 की संख्या। ये पूछ लेगा, बहुत लोग आपका गलत कर जाएंगे। अगला आचार्य, अगला शब्द आपका क्या है? आचार्य। इस आचार्य का अनेकार्थी शब्द क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आचार्य का अनेकार्थी शब्द क्या बनेगा। एक तो मिल जाएगा गुरु। क्या मिल जाएगा? गुरु मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त और क्या मिलेगा आचार्य का अनेकार्थी शब्द? तो महापंडित मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे बच्चे? महापंडित। और क्या मिल जाएगा आपको भैया? प्रवक्ता। और क्या मिल जाएगा? अब बताएंगे प्रधानाचार्य। क्या मिल जाएगा मेरे बच्चे? प्रधानाचार्य भी। ये किसका है? इसी तरह का एक शब्द याद रखिएगा, इंदु। इंदु का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे? हमारे बच्चों का आंसर यहां आना चाहिए। इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। क्या होता है? इंदु का अर्थ होता है मेरे बच्चे चंद्रमा। और क्या होता है? तो आप बताएंगे इंदु का अर्थ होता है कपूर भी। क्या होता है? कपूर। गणित में एक की संख्या, गणित में एक की संख्या को भी हम क्या कहते हैं? इंदु कहते हैं। नेक्स्ट आत्मा, जरा बताओ भाई आत्मा। आत्मा आप लोगों जानते हो, आत्मा का अनेकार्थी की अगर हम बात करते हैं, आत्मा का अनेकार्थी प्राण होता है। और क्या होता है? तो आप बताएंगे अग्नि होता है। और क्या होता है? तो आप बताएंगे सूर्य होता है। क्या होता है भैया? सूर्य होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता चल गया। इसके अतिरिक्त आ जाओ अनेकार्थी में, ईशान। ईशान का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक कोण का नाम होता है। क्या होता है ईशान? क्या होता है? तो आपको पता है एक कोण का नाम होता है, एक कोण का नाम। और ईशान का अर्थ क्या होता है? 11 की संख्या। 11 की संख्या देख लो भाई, दो जगह मिल चुकी है आपको। एक तो ईशान को कहते हैं, दूसरा अब जो ईश को भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये किसके क्या है भैया? सबके सब आपके अनेकार्थी शब्द हैं। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा कनक। क्या देखा है? कनक। कनक भी एक अनेकार्थी शब्द है। कनक का अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे एक अर्थ धतूरा होता है। दूसरा अर्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे दूसरा अर्थ सोना भी होता है। कनक का एक अर्थ क्या मिला आपको? धतूरा मिला। दूसरा अर्थ क्या मिला? सोना मिला। इसी तरह से कटक आता है एक शब्द भाई, कटक। कटक का अर्थ एक होता है सोना, और एक होता है सेना का अंग या सेना कह लीजिए। कटक मतलब सेना भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह से बहुत सारे अनेकार्थी शब्द आपको मिलते हैं। एक केतु को भी नोट कर लीजिएगा। किसे नोट कर लेंगे? केतु। केतु को हम क्या कहते हैं? झंडा कहते हैं। इस केतु को क्या कहते हैं? झंडा कहते हैं। इसी को हम और किस नाम से जानते हैं? ध्वज के नाम से जानते हैं। एक ग्रह का नाम भी है केतु, ग्रह का नाम भी है।
और क्या कहा जाता है, केतु का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है और केतु का अर्थ चमक भी होती है। क्या होती है मेरे बच्चे? चमक भी होती है। इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो कि आपके अनेकार्थी शब्द में आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन अनेकार्थी शब्दों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जहां पे दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। इस शब्द का अनेकार्थी हमें नहीं मिल पा रहा है, हम वहीं पे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ही लिख देंगे। जिन शब्दों को आपको जरूरत लगेगी आप बता दीजिएगा, उन शब्दों की अनेकार्थी वहीं पे आपको लिख दी जाएगी, आप उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। इसके अतिरिक्त खद्योत, एक शब्द मिलता है, आता है आपके टर्म में खद्योत। खद्योत को क्या कहा जाता है? खद्योत किसका अनेकार्थी है? तो भैया आप बताएंगे, सूर्य का भी अनेकार्थी है, तारा का भी अनेकार्थी है और जुगनू का भी अनेकार्थी है। इसी तरह से आपका हरि है, इसकी अनेकार्थी आप याद रखेंगे, हरि की अनेकार्थी आप पढ़ लीजिएगा। हरि के अतिरिक्त हंस की अनेकार्थी पढ़ लीजिएगा, किसकी? हंस की। और किसकी? आप हरिण की अनेकार्थी पढ़ लीजिएगा, हरि हंस और हरिण की अनेकार्थी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और किसकी अनेकार्थी पढ़ेंगे? संधि की अनेकार्थी। और किसकी अनेकार्थी पढ़ेंगे? आप सर की अनेकार्थी। इतने शब्दों की आप अनेकार्थी पढ़ लीजिएगा अच्छे से भाई। और किसकी अनेकार्थी पढ़ेंगे? पानी की अनेकार्थी पढ़ेंगे। किसकी भैया? पानी की अनेकार्थी। इसके अतिरिक्त आपके एग्जाम में एक फल शब्द आता है जिसका अर्थ परिणाम भी होता है, इसकी अनेकार्थी पढ़ेंगे। प्रणय की अनेकार्थी पढ़ेंगे। किसकी अनेकार्थी? प्रणय की। और पार्श्व की अनेकार्थी पढ़ेंगे आप। पार्श्व का अर्थ होता है आपका बगल, प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, फल का अर्थ होता है परिणाम, पानी के अर्थ होता है इज्जत। इसके जो अनेक अर्थ मिलते हैं इन शब्दों को भी आप अच्छे से पढ़ डालिएगा। एक पता की अनेकार्थी पढ़ लीजिएगा, पता का अर्थ होता है ठिकाना। क्या होता है? ठिकाना। एक लंगर की अनेकार्थी पढ़ लीजिएगा, जहां मुफ्त में भोजन मिलता है। या लंगर को और क्या कहा जाता है? लोहे का कांटा कहा जाता है। लोहे का कांटा लिखिएगा, लोहे का कांटा को लंगर कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, और रंग की अनेकार्थी लिख लीजिएगा, रंग के अनेकार्थी जैसे वर्ण आता है। तो ये अनेकार्थी शब्द को भी इंपॉर्टेंट है, इनके अनेकार्थी शब्द पढ़ लीजिएगा। कुछ हम इस पे आपको अभ्यास करा देते हैं और अभ्यास कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। क्या कर लेंगे? अभ्यास कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा मेरे बच्चों। तो जो इंपॉर्टेंट शब्द थे हमने उनको लिखाने का प्रयास किया है भाई। जो नहीं लिखाया है वो आप परेशान नहीं होंगे। जैसे माया है, क्या है? माया है। माया की भी अनेकार्थी पूछी जाती है भैया, तो माया को भी आप नोट कर लीजिएगा, माया को आप नोट कर लेंगे। माया के अतिरिक्त पतंग, पतंग भी पूछी जाती है, पतंग। पतंग के अतिरिक्त पत्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पत्र पूछा जाता है। तो इन शब्दों की भी अनेकार्थी आपको याद करना है। एक निर्भीक की अनेकार्थी याद कर लीजिएगा, किसकी अनेकार्थी? निर्भीक की। एक द्विज की अनेकार्थी याद कर लीजिएगा, द्विज पक्षी को भी वह कहते हैं, दांत को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? दांत को कहते हैं और ब्राह्मण को भी कहते हैं। तो भैया ये कुछ अनेकार्थी शब्द थे जिसको हमने आपको बता दिया है। कुछ आप अपने मन से पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त, ये चीज पूरी हो जाएगी। और आज के सेशन में इससे संबंधित हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे, उन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो जल्दी से बताओ भाई, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे, तेजी से हमारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में एक शब्द कौन सा नहीं आता है?
हम उम्मीद करेंगे हमारे सारे बच्चे आंसर करके बताएंगे, और किसी का आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए गलत वाला दे दो आप। जल्दबाजी में आप आंसर नहीं करेंगे, ईमानदारी से करेंगे और इत्मीनान से करेंगे। आपको पहला शब्द दिया गया है, द्विज का अनेकार्थी बताना है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है। द्विज का अनेकार्थी, द्विज का अनेकार्थी शब्द कितने बच्चों के सही आते हैं? पहले प्रश्न से ही हमारे बच्चे गलत करेंगे क्या भाई? यहां देखो भैया, द्विज अभी अभी हमने बताया है, द्विज का एक अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण होता है, दूसरा पक्षी होता है, तीसरा दांत होता है। तो ये तीनों हैं, एक शब्द नहीं आता है। तो कौन सा शब्द नहीं आता है? तो आप बताएंगे विदेह नहीं आता है। वी देह, जो देह से अलग हो उसे हम क्या कहते हैं? विदेह कहते हैं। तो भैया अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। जल्दी से हमारे बच्चे चयन करके बताएंगे कौन सा अनेकार्थी शब्द यहाँ गलत है, कौन सा अनेकार्थी शब्द यहाँ पे गलत है, जल्दी से बताएंगे। तेजी से आंसर आना चाहिए हमारे बच्चों का, कौन सा अनेकार्थी शब्द गलत है? अभी अभी हमने बताया है अनेकार्थी शब्द अब्ज का एक अर्थ क्या होता है? शंख होता है, और क्या होता है? चंद्रमा भी होता है, और क्या होता है? कमल भी होता है, और क्या होता है? मेरे बच्चे याद रखिएगा, कपूर भी होता है। तो यहाँ क्या नहीं है? तो आप बताएंगे सी विकल्प मेघ नहीं है। कौन सा विकल्प भाई? सी विकल्प मेघ नहीं है। बाकी सब के सब क्या हैं? अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है? तो अब जल्दी से बताओ भाई, पानी का अर्थ जंगल देता है, वन देता है, अरण्य देता है, या कानन देता है? अब जल्दी से बताओ। यहां आप कहोगे सब तो वन के पर्यायवाची हैं सर। सब के सब किसके पर्यायवाची हैं? वन के पर्यायवाची हैं। तो पानी का एक अर्थ आपको बताना है। यहाँ जंगल होता है क्या? नहीं, पानी का अर्थ जंगल नहीं होता। पानी का अर्थ अरण्य होता है क्या? नहीं होता है। कानन होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन पानी का अर्थ वन होता है मेरे बच्चे। क्या होता है? वन होता है। पानी का एक अर्थ क्या होता है? वन भी होता है। लेकिन पानी का अर्थ जंगल नहीं होता है, अरण्य नहीं होता है, कानन नहीं होता, जबकि ये वन के पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? वन के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन उसके ये अर्थ होते नहीं हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 3, 4 नंबर है। 3 नंबर गायब हो गया। अचल शब्द का अर्थ है, अचल का अर्थ क्या होता है? स्थिर, और दूसरा अर्थ है क्या? चलायमान। अचल का अर्थ स्थिर है, और दूसरा अर्थ क्या होता है? अचल। अगर इसे दो भाग में हम तोड़ देते हैं, एक शब्द मिलेगा और दूसरा मिलेगा चल। चल का अर्थ होता है चलना, आ का अर्थ होता है नहीं। जो चल नहीं सकता है उसे हम क्या कहते हैं? अचल कहते हैं। मतलब एक तो आपका स्थिर हो गया भाई, यहां चलायमान होगा क्या? नहीं होगा। गतिमान होगा क्या? तो भाई ना तो गतिमान होगा ना चलायमान होगा। अब बचे आपके पास 2 शब्द। कितने शब्द बचे हैं भैया? 2 शब्द। एक शब्द है आपका अस्थिर, दूसरा होता है निश्चल। तो यहां अस्थिर भी नहीं होता है, अचल का अर्थ होता है निश्चल। क्या होता है भैया? निश्चल। ए बी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प मेरे बच्चे? बी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित विकल्पों में मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। अब यहां पूछ रहा है मत्सर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होता? क्रोध नहीं होता है, राग नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, या ईर्ष्या नहीं होता है? तो हम उम्मीद करेंगे इस 5 नंबर के प्रश्न को हमारे बच्चे आसानी से बता देंगे। मत्सर का अर्थ होता है मच्छर भी होता है भैया। मत्सर किसे कहते हैं? मच्छर को कहते हैं, जिसके काटने से आपका कौन सा? डेंगू जैसा बुखार भी होता है, जो एंडीज मच्छर होते हैं उनके द्वारा,
तो जल्दी से बताओ भाई, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या। तो मेरे बच्चों यहाँ पे जो 5 नंबर का सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो तेजी से हमारे बच्चे आंसर करेंगे। मत्सर का अर्थ क्रोध होता है, मत्सर का दोष भी होता है, मत्सर का ईर्ष्या भी होता है, लेकिन राग नहीं होता है। तो वी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प मेरे दोस्त? वी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? यहाँ देखो भैया, सर्प की बात कर रहा है, मेघ बादल, हरिण जो पशु होता है, किस शब्द के अनेकार्थी हैं? सारंग के हैं, नारंग के हैं, सारंग के हैं, षडंग के हैं, किसके अनेकार्थी हैं? तो सारंग एक अनेकार्थी शब्द है। तो सारंग का अर्थ सर्प भी होता है, सारंग का अर्थ मेघ भी होता है, सारंग का अर्थ हरिण भी होता है भाई, तो याद रखिएगा। और इसका अर्थ नाग भी होता है, इसका अर्थ कोयला भी होता है। क्या होता है? इसका अर्थ नाग भी होता है, इसका अर्थ कोयला भी होता है सारंग का। और सारंग का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ कामदेव भी होता है। सारंग का अर्थ क्या है भैया? तो आप बताएंगे कामदेव भी है। इसका अर्थ सिंह भी होता है, इसका अर्थ बिजली भी होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? सिंह भी होता है, बिजली भी होता है, धनुष भी होता है, और भौंरा भी होता है, जिसे आप भ्रमर कहते हो भाई, भौंरा भी होता है, स्त्री होता है, कबूतर होता है। इसका अर्थ स्त्री भी होता है, और क्या होता है? कबूतर भी होता है। सारंग का अर्थ स्त्री और कबूतर। और क्या होता है तो आप बताएंगे, इसका अर्थ शेषनाग भी होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? शेषनाग भी होता है, इसका अर्थ सुंदर भी होता है, इस सारंग का अर्थ सरस भी होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? सरस भी होता है, इसका अर्थ शंख भी होता है, इसका अर्थ चातक भी होता है। क्या होता है? चातक भी होता है, वृक्ष भी होता है। क्या होता है? वृक्ष भी होता है, बादल वहां मेघ लिखा ही है भैया, बादल भी होता है, छाता भी होता है, और क्या होता है? छाता होता है। सारंग का अर्थ और क्या होता है तो आप बताएंगे, वस्त्र भी होता है। सारंग विष्णु के धनुष का नाम भी सारंग था, विष्णु के धनुष का नाम सारंग था भाई, धनुष का नाम भी क्या था? सारंग था। इसका अर्थ फूल भी होता है, सारंग का अर्थ मेढक भी होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? मेढक भी होता है। इसके बहुत सारे अर्थ हैं। तो भैया यहाँ याद रखिएगा, सर्प, मेघ, हरिण, नाग, कोयला, कामदेव, सिंह, बिजली, धनुष, भौरा, स्त्री, कबूतर, शेषनाग, सुंदर, सरस, संघ, चातक, वृक्ष, बादल, छाता, वस्त्र, विष्णु के धनुष का नाम, फूल और मेढक, के सब किसके अनेकार्थी शब्द हैं? सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रतिष्ठा, जल, चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं? प्रतिष्ठा, जल, चमक, ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जल्दी से बताएंगे हमारे बच्चे, तेजी से हमारे बच्चे आंसर करके बताएंगे। प्रतिष्ठा, दल, जल, चमक, ये किसके अनेकार्थी हैं? ये अग्नि के हैं, आकाश के हैं, मोती के हैं, या पानी के हैं? प्रतिष्ठा, जल, चमक, इस सब के सब किसके अनेकार्थी हैं? मेरे दोस्त आपका आंसर होगा पानी के अनेकार्थी हैं। किसके अनेकार्थी हैं? पानी के अनेकार्थी हैं। पानी के अनेकार्थी में एक शब्द आप वर्षा भी लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे? वर्षा भी लिख लेंगे, दूसरा स्वाभिमान भी लिख लेंगे। कहते हैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं, पानी, स्वाभिमान। और पानी का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे? लज्जा भी होता है। क्या होता है? लज्जा भी होता है। तो याद रखिएगा भैया, इस पानी का प्रतिष्ठा तो है ही, जल तो है ही, चमक भी होता है, वर्षा भी होता है, स्वाभिमान भी होता है, और लज्जा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखो, 8 नंबर, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। विधि का अर्थ ब्रह्मा, कानून, अवधि, पद्धति, इसमें से एक केवल नहीं है, बाकी हैं। तो जल्दी से बताओ कौन सा शब्द है जो विधि का अनेकार्थी नहीं है? तेजी से हमारे बच्चों का आंसर आएगा। तो भैया विधि, विधि का अर्थ ब्रह्मा भी होता है, विधि का कानून भी होता है, विधि का पद्धत भी होता है, अवधि नहीं होता है। अवधि
क्या होता है, ये समय होता है। लेकिन इसी तरह का एक शब्द मिलता है अवधि। अवधि एक बोली का नाम है लेकिन ये बाद में भाषा का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? भाषा का रूप ले लेती है। इसी अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। क्या लिखा गया है भाई? रामचरितमानस और पद्मावत, ये दो महाकाव्य लिखे गए हैं, एक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, दूसरा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। तो चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जल्दी से बताओ भैया, घन का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? घन का अर्थ बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। इसमें से तीन है और एक नहीं है, वो बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तेजी के साथ कमेंट करके बताएंगे भाई हमारे बच्चे। घन का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होता है? तो घन का अनेकार्थी बादल भी होता है। घन का अर्थ कहते हैं बाल, घना है, ये घना भी होता है। घन जिससे लोहार हथौड़ा मारता है उसे घन कहते हैं। घन का अर्थ घनिष्ठ नहीं होता है। क्या नहीं होता मेरे बच्चे? घनिष्ठ नहीं होता है। तो कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा? आपका सी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प मेरे बच्चे? सी विकल्प आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में एक वर का अनेकार्थी नहीं है। वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है, वर का अर्थ वरदान होता है, वर का अर्थ पति होता है, सुवर्ण होता है। कौन सा एक अर्थ नहीं होता है? वो नहीं वाला अर्थ आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। वर का अर्थ भैया श्रेष्ठ होता है, वर का अर्थ पति भी होता है, वर का अर्थ सुवर्ण भी होता है, वर का अर्थ वरदान नहीं होता है। बताओ जल्दी से, तेजी से कमेंट करके बताओ भाई सारे बच्चे। वर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नहीं की बात की गई है भैया, जरा ध्यान से करिएगा इसका आंसर। तो यहां मेरे बच्चे वर का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, वरदान भी होता है, पति भी होता है, सुवर्ण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सुवर्ण नहीं होता है। डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है। कौन सा इसमें अनेकार्थी है? शेर है, गोली है, कुत्ता है या हिमालय है? किसके एक से अधिक अर्थ मिलते हैं? जिसके एक से अधिक अर्थ मिलेंगे भैया उसी को हम क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द कहेंगे। देखना है कौन बच्चा हमारा 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है। तो यहां भैया शेर का अनेक अर्थ नहीं होता, गोली का भी नहीं होता, कुत्ता का भी नहीं होता है, ये हिमालय के अनेक अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? हिमालय का अनेक अर्थ। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चे हमारे गोली आंसर करेंगे और ये गलत होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चलो भाई अगला प्रश्न देख लो भाई। यहाँ दिया गया है निम्न में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जिसके अनेक अर्थ नहीं होते हैं? पत्र का, मुद्रा का, दंड का या पुस्तक का? देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। पत्र के अनेक अर्थ होते हैं भैया, मुद्रा के भी अनेक अर्थ होते हैं, दंड के भी अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन पुस्तक के अनेक अर्थ नहीं होते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा विकल्प होगा? तो आप बताएंगे डी विकल्प हमारा राइट आंसर है। कौन सा विकल्प मेरे बच्चे? डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखो भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। अनुरोध आग्रह शब्द युग्म में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना। एक अनुरोध है, दूसरा क्या है? आग्रह है। तो आग्रह का आशय क्या है? तो जल्दी से बताओ भाई, आग्रह का आशय अधिकार भावना से उद्भूत याचना होगा, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, अधिकार भावना को स्वीकार करना, अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। जल्दी से तेजी से आंसर करके बताएंगे भाई। आग्रह
आग्रह का अर्थ क्या होता है भैया? अधिकार भावना की कदाप उपेक्षा ना करना। कोई आग्रह आपसे कर रहा है कि आप मेरे घर चले आइए, तो आग्रह कैसा होगा आपका? डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। कौन सा विकल्प? डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, कनक का अर्थ धतूरा किसका अनेकार्थी शब्द है? ये देखो भैया, कनक, कनक का अर्थ क्या होता है? एक अर्थ धतूरा होता है, दूसरा क्या होता है? प्रसाद होता है, कसौटी होता है, आभूषण होता है या सोना होता है। तो देखते हैं किस बच्चे का हमारे सही आंसर आता है। कनक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? देखना है मेरे बच्चे किस बच्चे का एकदम सही सही वाला आंसर आता है। तो यहाँ हमारे बच्चों का आंसर आ रहा है, एक कनक का अर्थ धतूरा होता है, दूसरा सोना होता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर वा पाए बौराए। अगर सोना पा जाए तब भी मनुष्य पागल हो जाता है, और अगर धतूरा खा ले तब भी मनुष्य पागल हो जाता है। तो कनक का एक अर्थ क्या होता है? धतूरा। दूसरा अर्थ क्या होता है मेरे बच्चे? सोना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, इसमें से तरणी का अर्थ नौका, तरुण का अर्थ या तरुणी का या तरण का? तो जल्दी से बताओ किसका अर्थ नौका होता है? तेजी से आंसर आना चाहिए हमारे बच्चों का। यहां देखो भैया, तरुण ये युवक होता है, तरुणी युवती होती है, तरणी नौका होता है, लेकिन जो तरणी लिखा होता है ये किसका है भैया? तो आप बताएंगे सूर्य की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित शब्दों में एक का अर्थ स्त्री है, स्त्री अंगजा अंगना आंगन अंगार। आंगन जो आपका घर बना होता है उसके बीचों बीच स्थित होता है, अंगार आग को कहते हैं। अब बचा अंगना और अंगजा, अंगजा नहीं होगा भैया, यहाँ कौन सा विकल्प होगा? ए बी विकल्प सही होगा। अंगना का अर्थ होता है पत्नी। क्या होता है? पत्नी या स्त्री। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर है तथा अपेक्षा है, कटूक्ति व्यंग ताना कटाक्ष। तिरछी नजर या अपेक्षा, जल्दी से बताओ भाई किसे कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे कटाक्ष को कहते हैं, तिरछी नजर किसे कहते हैं? कटाक्ष को कहते हैं। अगला प्रश्न, शकल और शकल का अर्थ क्या होता है? शकल और शकल का अर्थ क्या होता है? पहले शकल और दूसरे शकल का अर्थ क्या होता है? कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। तो मेरे बच्चे इस शकल जो दंत स से निर्मित होता है इसका अर्थ होता है संपूर्ण, और शकल इसका अर्थ होता है अंश। तो भैया यहाँ कौन सा विकल्प आपका सही है? तो सी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प? सी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से मूक का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? मूक का अनेकार्थी गूंगा, चुप, शांत या विवश, कौन सा नहीं है? तेजी से आंसर करके बताएंगे भाई, मूक का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो जो विवश होता है, जो चुप होता है, जो गूंगा होता है, तो यहाँ पे कौन सा भैया? शांत। मूक का अनेकार्थी शांत नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, अगला प्रश्न है भाई क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे, जरा ध्यान से देखें और आंसर करेंगे। कीर शब्द का अर्थ है, कीर का अर्थ क्या होता है? कील होता है, कीड़ा होता है, तोता होता है, हाथी होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई कीर का अर्थ क्या होता है? कीर किसका अनेकार्थी शब्द है? तेजी से कमेंट करके बताएंगे कीर किसका अनेकार्थी शब्द है, तेजी से आंसर करके बताएंगे। कीर का अर्थ होता है भैया तोता। क्या होता है मेरे बच्चे? तोता। इसी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है,
नग का अनेकार्थी पर्वत नहीं है, सूर्य नहीं है, सर्प नहीं है या हाथी नहीं है। देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर आता है। नग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो भैया पर्वत होता है, सूर्य भी होता है, सर्प भी होता है, लेकिन यहाँ हाथी नहीं होता, तो डी विकल्प आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, रसाल शब्द का अर्थ है, रसाल का अर्थ आम होता है, केला होता है, पक्षी होता है या चमक होता है। देखते हैं 22 नंबर का आंसर कितने बच्चों का सही आता है। रसाल शब्द का अर्थ है आम, केला, पक्षी, चमक। देखते हैं कितने बच्चों का यहाँ सही आंसर मिलता है। भैया रसाल आम का अर्थ होता है, इसे और क्या कहा जाता है, सहकार कहा जाता है, और किस नाम से जानते हैं, अति सौरभ के नाम से जानते हैं, अति सौरभ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखो और आंसर करके बताओ भाई। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, यहाँ साहस अनेकार्थक है, पुस्तक है, अंबर है या बालक है। तो देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से आंसर करिएगा, तेजी के साथ आंसर करिएगा। यहाँ साहस नहीं होगा, पुस्तक नहीं होगा, बालक नहीं होगा। अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, तो यही सी विकल्प आपका अनेकार्थी शब्द है। कौन सा विकल्प, सी विकल्प। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, गृहविहीन, बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो भैया जल्दी से बताओ, अगोरना के अनेकार्थी, अगोचर के, अगेह के, अगुआ के। शादी विवाह में कोई जो मीडिएटर का काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अगुआ कहते हैं। यहाँ आगे गेह का अर्थ होता है घर, क्या होता है, गेह का अर्थ होता है घर, और आ का अर्थ होता है नहीं, जिसके पास घर नहीं है उसी को हम क्या कहते हैं, बेघर या गृहविहीन कहते हैं। तो सी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प, सी विकल्प। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया भाई, पाप पताका किस शब्द के अनेकार्थी हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया, पाप और पताका किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो मेरे बच्चे यहाँ अग्रिम के, अघ के, अघट के, अचर के। तो यहाँ देखो भैया ये किसका अनेकार्थी है, तो हमारे बच्चों का आंसर होगा ये अघ का अनेकार्थी शब्द है। किसका है भाई, अघ का अनेकार्थी शब्द है। बी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प भैया, वी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 26, भौरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। भौरा कोयल सखी ये अल के हैं, अंत के हैं, अनुरूप के हैं या अब्ज के हैं। तो तेजी से आंसर करके बताओ भाई, आज के सेशन का 26 नंबर का क्वेश्चन है, तेजी से आंसर आना चाहिए आपका। एक किसके अनेकार्थी हैं, आप बताएंगे अली के अनेकार्थी हैं। अली का अर्थ भौरा भी होता है, अली का अर्थ सखी भी होता है, कोयल भी होता है। कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, अतिथि के, अच्युत के, अनुरूप के या अब्ज के। तो मेरे प्यारे बच्चे कृष्ण विष्णु और अविनाशी किसे कहा जाता है, अच्युत को कहा जाता है। बी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तेजी से आंसर करके बताओ भाई, चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तेजी से आंसर करके बताएंगे हमारे बच्चे, चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो भैया यहां देखो ये अब्ज, अब्ज का अर्थ कमल होता है। भैया यहाँ का कमल है क्या, अच्युत है, अनंता है, आकार है। जल्दी से बताओ भाई ये किसके अनेकार्थी हैं। ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा क्या भाई, जल्दी से बताओ, ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा क्या। हाँ मेरे बच्चे, अब्ज का अर्थ चंद्रमा भी होता है, अब्ज का अर्थ शंख भी होता है, अब्ज का अर्थ कपूर भी होता है, अब्ज का अर्थ कमल भी होता है। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न, फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है, फल का परिणाम होता है, मेवा होता है, लाभ होता है, अर्क होता है। यहाँ नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं होता है, फल का परिणाम तो होता है भैया, फल मेवा भी होता है, फल लाभ भी होता है, लेकिन अर्क नहीं होता है। तो डी विकल्प आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, खर शब्द का अनेकार्थी है, खर का अनेकार्थी गधा, प्राणी, नदी, कमल, कौन सा अनेकार्थी है। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, तेजी से कमेंट करके बताओ भाई।
खर का अनेकार्थी है। खर का अनेकार्थी क्या होता है भैया? खर का अर्थ होता है घास, खर का अर्थ होता है गधा या गधा। अगला प्रश्न, इसे वैशाख नंदन भी कहते हैं। शारंग शब्द का अनेकार्थी है, जल है, सिंह है, घना है, सत्व है। जल्दी से बताओ भाई, शारंग का अनेकार्थी कौन सा है? तेजी से आंसर आना चाहिए आपका भैया। शारंग शब्द का अनेकार्थी कौन सा है? तो भैया जल, घना, सत्व नहीं, बल्कि ये क्या है? सिंह है मेरे बच्चे। कौन सा आंसर? सिंह। क्वेश्चन नंबर 32, अमृत शब्द का अनेकार्थी नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। अमृत स्वर्ग को कहते हैं, जल को, पारा को, दूल्हा को, किसे अमृत कहते हैं भैया और किसे नहीं कहते हैं? इन चारों में से एक आपको अलग कर देना है। अमृत का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो भैया अमृत का अनेकार्थी स्वर्ग भी होता है, जल भी होता है, पारा भी होता है, लेकिन अमृत का अनेकार्थी दूल्हा नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बल शब्द का अनेकार्थी नहीं है, किसका अनेकार्थी नहीं है? बलि, बलि का अर्थ बलिदान, बलि का अर्थ उपहार या कर या मंडल। जल्दी से बताओ इसमें भाई, बलि का बलिदान तो होता है, बलि का उपहार भी होता है, लेकिन कर और मंडल में कौन सा नहीं है? जल्दी से बताएंगे तो हमारे बच्चों का आंसर होगा कर भी होता है लेकिन मंडल नहीं होता। तो डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प मेरे बच्चे? डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन को हम करेंगे यहीं पे समाप्त। तो मेरे बच्चे, बाकी मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।